सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आप देख सकते हो सिंक के नीचे से पानी टपक रहा है। दोस्तों ये पानी एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे जो वेस्ट कपलिन से आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, पानी जो है मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल्स के साथ में। दोस्तों पानी जो है ऊपर से ही आ रहा है। दोस्तों सिंक का प्रॉब्लम काफ़ी सारा होता है, पानी जो है नीचे से टपकता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, सिंक का जो वेस्ट कपलिन है उसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों इसी के बारे में वीडियो है, इस वीडियो में आपको डिटेल्स के साथ में बताऊंगा अगर आपके घर में ऐसे सिंक से पानी लीकेज हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देख सकते हो दोस्तों ऊपर के साइड से जो है पानी आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जब थाली इसमें दोस्तों सब्जी वब्जी धोया जाता है तो पानी ऊपर छिड़कता है, आप देख रहे हो। ये सब जो है दोस्तों टाइल्स वाला जो जॉइंट फिलर लगाता है वो सब क्या है डैमेज हो जाता है, निकल जाता है थोड़े दिन बाद। तो यहाँ से जो है दोस्तों पानी जो जितना पानी बाहर आता है थोड़ा बहुत, वो पानी दोस्तों सिंक पकड़ के नीचे जाता है, देख रहे हो दोस्तों। मैं इसके लिए ये सब कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों सिंक के साइड में जितने भी जॉइंट फिलर सब लगा हुआ है वो सबको आपको निकालना है। दोस्तों उसके ऊपर आपको नहीं लगा देना है, सबसे पहले जॉइंट सबको क्लियर कर देना है आरे ब्लेड से या फिर छेनी हथौड़े से, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा होता है तो वो सबको आपको सबसे पहले क्लियर करना है, उसके बाद में दोस्तों मारना है। इसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट मार दोगे तो कोई काम नहीं करेगा, फिर से लीकेज जो है चालू हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद साफ सफाई करके लगाना है। तो कैसे लगाना है इसके बारे में और दोस्तों इसका केमिकल वगैरह कैसे आपको इसमें क्या देना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इस वीडियो में। ये आप देख रहे हो सबसे पहले उस आपका कपड़ा से पहले छेनी हथौड़ा या फिर पेचिया से जितना पतला मतलब इंस्ट्रूमेंट से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हो दोस्तों मैं जो है ये क्योंकि ये ब्लैक स्टोन का कलर है दोस्तों, ब्लैक कलर का है, काला कलर का है, तो आप देख सकते हो जॉइंट फिलर उसी कलर का मैं लाया हूँ। अगर आप वाइट सीमेंट लगा दोगे तो इसमें तो ख़राब दिखेगा, दिखने वाला है क्योंकि पूरा जो है स्टोन है वो काला है इसके चारों साइड। तो इसके लिए मैं आप देख रहे हो दोस्तों ये ब्लैक कलर का जॉइंट फिलर लाया हूँ केमिकल वाला। उसके साथ में आपको क्या करना है, अगर आप सीमेंट में मारते हो तो उसमें पानी नहीं यूज करना है, आपको उसमें पानी नहीं देना है। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग के लिए करना चाहते हो, लीकेज ना हो, तो इसमें आप देख रहे हो मैं डॉक्टर फिक्सिट का दोस्तों वाटर पंपिंग जो केमिकल होता है उसे मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको एक पत्रा से, सबसे पहले मैं इस पत्रा से जो है इसको ठीक से मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों जितना भी गैप है उस सब मैं लगाऊंगा। ये जो काम है दोस्तों आपको ये जो है कभी और इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है केमिकल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और टाइट हो जाता है, इसमें इसका चीड़ जो है दोस्तों आटा टाइप का हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको उंगली से देख रहे हो दोस्तों, मैं एक उंगली से इसको जो जितना भी साइड में ये सब मैं लगा रहा हूँ जितना गैप है उसमें सही से आपको दोस्तों उंगली यूज ही करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। आप देख रहे हो एक उंगली से पतला से आपको ऐसे ग्रू टाइप का आपको बना देना है जैसे मैं दोस्तों कर रहा हूँ। दोस्तों सिंक का लीकेज का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं काफ़ी जगह में इसको कर चुका हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों मैं चारों साइड में जो इस ग्रू को लगा रहा हूँ ताकि दोबारा लीकेज ना हो कभी भी, तो उससे लाइफ टाइम सेट हो जाएगा इसमें से। चारों साइड आपको सही से ग्रू बना के लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों लगाने के बाद में इसे मैं कपड़े से साफ कर दूंगा, आप देख रहे हो दोस्तों सही से इसे साफ कर दूंगा, ये साफ हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।